हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। जाते वक्त उसने मेरे सामने पैसे बढ़ाए। दीदी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कमल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। I love you, कमल। तुमने कहा? मेरी आंखें तो हमेशा ये कहती हैं। I love you। अगर उसको कुछ हुआ तो अपन तेरा सब कुछ मिटा के रख देगा, समझा ना? फौरन पता करो ये पंगिया दादा कौन है। हाँ आप बैठिए, खाना मैं सर्व कर दूँ। आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। और वो लोग थे कौन? पता नहीं चाचा जी, मुझे लगा कि चोर है तो मैंने उन्हें वॉलेट घड़ी सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पीटा मुझे। और उनमें से एक था जो बार बार रौब झाड़ रहा था, बोले जा रहा था कि तू मुझे नहीं जानता, मैं पंग्या हूं, पंग्या दादा। हाँ भैया, वो कह रहा था कि वो किसी रमा भाई के लिए काम करता है। कौन है ये रमा भाई और उसे तुम्हारा क्या लेना देना? उसके साथ ऐसा करके उसने अपनी शामत बुलाई। बस एक बार पता चल जाए ये रमा भाई है। मुझे पता है, मुझे पता है रमा भाई कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है। याद है सत्य, जब हम नेकलेस लेने उसके पास गए थे? हाँ भैया, रमा भाई, उससे उस दिन हमारी बहस भी हुई थी। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। भाई की हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ डालने की? पापा कोई बात नहीं, ठीक है। क्या ठीक है, क्या ठीक है? वो गुंडे भिजवाकर हमें धमकाएगी और हम उसे यहीं छोड़ देंगे? हरगिज़ नहीं। आज उसने बाहर सड़क पर अपने गुंडे तुम पर छोड़े, कल को घर भी बेच सकती है। यश ये बात टाल देने की नहीं है, ऐसे में उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। यूं परेशान होकर गुस्से में आकर कोई डिसीजन लेंगे तो बात और बिगड़ सकती है। आप प्लीज शांत रहिए। चाचा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जो फैसला करना है बहुत सोच समझ के शांति से करना चाहिए, लेकिन पापा का गुस्सा भी जायज है। रमा भाई को उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि उसकी एक गलत हरकत उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। हेलो कमिश्नर साहब, जयंतीलाल जाजू ही है। दिया तो इतने दिन कहाँ थे? हाँ
ना कोई फोन ना कोई खबर, अचानक कहीं चली गई? दरअसल मैं अपने भैया की शादी में जयपुर गई थी, दो हफ्तों में लौटने ही वाली थी पर उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। अरे वाह दिया बेटा, तुम्हारे भैया की शादी होगी और हमें पता भी नहीं चला। तो आंटी मुझे कहाँ पता चला जब कमल की शादी हो गई। लेकिन आंटी एक महीने पहले तो कोई शादी की बात नहीं हुई थी और अचानक ये सब। दिया बेटा, बात बनने बिगड़ने में वक्त थोड़ी लगता है, ये सब तो किस्मत के खेल है। वैसे एक बात है, अगर सबको लड़की पसंद आ गई तो शादी होने में देर नहीं लगती, है ना आंटी? हाँ, बस ऐसे ही लड़के को और उसके घर वालों को कमल पसंद आ गई और हमें भी लड़का बहुत पसंद आया, है ना शब्बू? और बस जल्दी से शादी होगी। ये सब गिफ्ट आपके लिए, कमल ने जयपुर से मंगवाए। हमारे लिए? और अपने लिए कुछ नहीं मंगाया? नहीं आंटी। ये पगली भी ना हमसे दूर जाकर भी हमारे लिए ही सोचती रहती है, अपने लिए कभी नहीं सोचती। मैं तो सोचती हूँ कि वारंट है। क्या? ले चलो इन्हें। कमल क्या? ओह गॉड, शुक्र है कि इसे ज्यादा चोट नहीं आई, वरना इस रमा भाई का यश को गुंडों से पिटवाने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है? मानव, तुम्हें पूरा यकीन है इस सब के पीछे रमा भाई का हाथ है? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मानव प्लीज। मुझे गलत मत समझना, मैं जानती हूँ आजकल तुम और पूरा परिवार किस टेंशन से गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना। कमल प्लीज, यू स्टे आउट ऑफ दिस। तुम रमा भाई को नहीं जानती, उस औरत को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, एक बार उलझ चुका हूँ उसके साथ। वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अब देखना बाबा क्या करने वाले हैं। क्या? बाबा ने पुलिस कमिश्नर से बात कर ली और अब तक तो रमा भाई जेल के अंदर होगी, पर अगर नहीं होगी तो हो जाएगी। मानव, कमल तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है ना। मैं देख लूंगा यार, आएगा ना मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, चल मैं अभी फोन रखता हूँ। हाँ परसों करता हूँ ना मैं तेरे को। ठीक है, कहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये रमा भाई मेरी बड़ी बहन है, मैं जानती हूँ ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इन पर जरूर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये सब कुछ भी नहीं कर सकती मैं, आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रही हूँ छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर साहब आप नाराज मत होइए, मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये रहा बस मेरी बात यकीन कीजिए, ये रहा बस। दुनिया किसी की यहाँ
बाद जिस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से की गई हो, उस रिश्ते का फ्यूचर कितने दिनों का हो सकता है? और अब तो उस झूठ को ही लोगों ने सच मान लिया, और हमें उस झूठ को सच बनाने के लिए हर रोज एक झूठ बोलना पड़ता है। तकलीफ तो ये सोचकर होती है कि जिस दिन इस झूठ पर से पर्दा उठेगा, उस दिन क्या होगा। माँ, हमारा अतीत गुजर चुका है, हमने उसे झुठला दिया, हमने गलत किया, हमने गलत किया, और आज इसी गलती की वजह से हमारे आज ने हमें यहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां से आने वाला कल तक दिखाई नहीं देता। मैं एक बात पूछू, मेरे अतीत में ऐसी क्या बुराई जो मुझे एक नए भविष्य की चाह के लिए उसे छुपाना पड़े? आप लोग ही मुझे बताएं, भला ऐसी किस्मत और किसी लड़की की कहां होगी जिसे एक नहीं तीन तीन माओं का प्यार मिला? और क्या ये मेरी बदकिस्मती नहीं है कि मुझे ऐसे प्यार और सम्मान को छोड़कर ऐसी जगह जाना पड़े जहां आज तो प्यार और सम्मान दोनों है, लेकिन कल शायद ना। अम्मी, आप तीनों जहां मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे ना, वो जगह मेरे लिए घर बन जाएगी। जबकि वहां अगर मेरे झूठ पर से पर्दा उठ गया तो ना तो कोई मेरे साथ खड़ा होगा और ना वो घर मेरा घर रहेगा। तो मैं ऐसे किसी नए रिश्ते के लिए अपने पुराने रिश्तों को क्यों छोड़ दूं? मैंने तो पहले ही सब कुछ बताने की कोशिश की है, तब नहीं अब से। उन्हें सच्चाई कहीं बाहर से पता चले, इससे अच्छा होगा कि मैं ही उन्हें सब कुछ बता दूं। आज फैसला हो ही जाए, अच्छा होगा कि मैं आज मानव को सब कुछ बता दूं। रुक जा बेटा, देख वरना मैं सब कुछ इंस्पेक्टर को बता दूंगी। क्या बता दूं? यही कि ये सब कुछ मैंने किया है। यश को मारने के लिए मैंने ही पंग्या को भेजा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। फिर तुझे पता है, जिंदगी भर तेरी माँ रमा भाई इन सलाखों के पीछे होगी। अब तू सोच ले, तुझे जाकर जिससे जो भी कहना है कह ले। बेटा, हम लोगों की जिंदगी एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी है कि अगर एक की आंख से पानी बहेगा ना, तो दूसरों की आंखों को मजबूरन बहना पड़ेगा। ये दुनिया वाले भले ही हमारी जिंदगी को कीचड़ माने, पर बोलने से पहले उन्हें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि
कमल और कीचड़ का एक अटूट रिश्ता होता है जिसे कोई नहीं बदल सकता, और कमल और मंदिर का भी एक रिश्ता है जिस पर कभी कोई सवाल नहीं उठेगा। बेटा, तेरा घर तेरा मंदिर है, वहां ही तेरा भविष्य है बच्चे। ऐसा फैसला मत कर बेटा, हम तो जिंदगी भर तेरे साथ जुड़े रहेंगे। बच्चे, तू ऐसा फैसला करने से पहले सोच लेना, बदल दे अपना ये फैसला कमल, बदल। इसे क्या मैं बोलूं, ये लब कैसे खोलूं, ए दिल कहीं और चल। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, इनके खिलाफ मिस्टर यश जाजू ने FIR दर्ज करवाई है, और जब तक वो खुद आकर ये रिपोर्ट वापस नहीं लेते तब तक मैं रमाबाई और पंग्या को नहीं छोड़ सकता। पंग्या दादा? जी हाँ, उधर। पंग्या अंकल, पंग्या अंकल। नहीं बेटा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे तू रो क्यों रही है, देखना मुझे। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, तू तो जानती है तेरे पंगे अंकल कितने स्ट्रांग है। नहीं, मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी कमल के लिए किया। क्या किया मैंने? है? कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। सच तेरी कसम बेटा, पंगे अंकल ने यश को हाथ तक नहीं लगाया। इसका मतलब ये सब यश का नाटक है। पूजनीय माता जी के लिए सुना है कुछ दिनों के लिए वो आउट ऑफ टाउन गई है, वापस कब तक लौटेगी वो? अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपको डांस नहीं करेंगे? जिस दिन आप हमारे घर पे आई थी ना, तो गेट के पास आपके पैसे गिर गए थे। वो कह रहा था कि वो किसी रमाबाई के लिए काम करता है। यश, मैंने अपना अतीत छुपाकर एक गलती की, और तुम आज तक मेरे उस अतीत का सहारा लेकर मुझे जराते रहे। मैं चुप रही, और मेरे चुप रहने को तुम मेरी कमजोरी समझते रहे। मुझे कल भी तुमने अंडरएस्टिमेट किया, और आज भी कर रहे हो। कल भी गलत समझा, और आज भी गलत ही समझ रहे। पर एक सच्ची बात का एहसास आज मुझे हुआ है कि जुल्म करना बुरी बात होती है, पर उससे भी बुरी बात होती है उस सुल को सहना, जो अब मैं नहीं सहना।